Hello everyone, very warm welcome to my channel. Today, topics are to be covered are lateral inversion, properties or characteristics of image formed by a plane mirror, and uses of plane mirror. Lateral inversion When right side of an object

इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है आप देखें ऑब्जेक्ट का ये राइट पार्ट है यह राइट पार्ट इमेज का लेफ्ट बन जाता है तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट और इमेज में चेंज आता है तो इसे लेटरल इन्वर्सन कहते हैं सेम इसी तरीके से जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड लिफ्ट करते हैं तब मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड लिफ्ट करता हुआ नजर आता है यही चेंज लेटरल इन्वर्सन है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर द इमेज इज वर्चुअल विच कैन नॉट बी स्क्रीनड बच्चो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वह वर्चुअल बनता है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते नंबर टू द इमेज इज इरेक्ट जो इमेज बनता है वह सीधा होता है इरेक्ट होता है नंबर थ्री डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम फ्रॉम दब्जेक्ट की दूरी मिरर से जितनी होती है उतनी ही दूरी इमेज की मिरर से होती है नंबर फोर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड और इमेज जो बनता है मिरर में वह लेट्रली इनवर्टर बनता है जैसा कि यहां आप देख रहे हैं यूजेज ऑफ प्लेन मिरर यूजेज ऑफ प्लेन मिरर आर प्लेन मिरर्स आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप बच्चों पेरिस्कोप बनाने के लिए प्लेन मिरर का यूज किया जाता है प्लेन मिरर्स आर यूज एज लुकिंग ग्लास हम घरों में लुकिंग ग्लास जो है वो प्लेन मिरर का होता है प्लेन मिरर्स आर यूज इन सोलर कुकर सोलर कुकर में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है दे आर ऑल्सो यूज इन वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में भी प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है